मेकअप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेकअप में सनस्क्रीन लगा रहे हैं। इसे मेरे पति बहुत स्मार्ट है। जो मेरी बीवी बोलेगी वो सही है। अपने मैचिंग मैचिंग कॉपी करती है मेरे। तो क्या पहनने वाली है? क्या पहनने वाली है? दो बच्चों को भेज दिया उन्होंने है ना। अभी खड़े रहो। चलो हाउ डू आई लुक्स? तो अभी हमारा चेकआउट का टाइम है ना। इट्स चेकआउट टाइम। अभी कितने बजे? 6:30 बजे। इट्स 6:45। और आए थे कितने बजे? रात के 9 बजे आए थे। 2 बजे। हमें वैसा लगता है कि घूमना कितना अच्छा होता है, बट द ट्रूथ इज घूमना ही सबसे बड़ी परेशानी है। रात को 2 बजे आओ, 7:45 तैयार होके 2 बच्चों के साथ। पतली हो गई पकड़ा। और ये देखो, हमें देखो, मैं पहले एल पहनती थी, अब मुझे एम लेना पड़ेगा। पतली पतली होती जा रही। हम लोग मॉर्निंग में जल्दी निकले क्योंकि फिर पता था कि मतलब अभी छुट्टियां है तो सब मंदिर में बहुत भीड़ होगी, तो इसलिए फिर हम लोग ने ऐसा प्लान किया कि हम लोग जल्दी उठेंगे और जल्दी निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे, होटल हमने चेकआउट कर लिया था। और ये जो पूरा लगेज था, लगेज में मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था। और एक रिक्शा KFC थी पीछे, तो बार बार KFC दिखा रही थी। और हमने और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इतने जल्दी वहाँ जा रही हूँ। मतलब एक साल से मैं प्लानिंग कर रही थी कि जाओ जाओ श्री स्वामी समर्थ के वहाँ पे अक्कलकोट जाने के लिए, लेकिन फाइनली मुझे वहाँ से बुलावा आ गया है। और ये सोलापुर है, अभी यहाँ से हम अक्कलकोट जा रहे हैं। स्वामी समर्थ तो हम यहाँ पे फाइनली पहुँच गए। और सच को यहाँ का मतलब आप जल्दी जितना करोगे तो आपका जल्दी नंबर आएगा, नहीं तो आपके 4-4 घंटे तक आपका नंबर नहीं आएगा। और यहाँ पे इस तरह से तिलक करते, पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये लड़का कर क्या रहा है, फिर मुझे लगा पता नहीं कुछ कर रहा है अभी फटाक। और यहाँ पे ऐसा ही है। और अगर आप लोगों को कुछ भी मूर्ति भगवान की कुछ भी लेना है तो आप प्लीज़ यहाँ से लीजिए, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो ये जो देख रहे हो ना, ये अंदर जाने का रास्ता है। कुछ 7:30 बजे का टाइम है और 8 बजे तक तो हमारे दर्शन हो चुके थे क्योंकि इतनी भीड़ नहीं थी, सुबह का टाइम था। कभी भी आप जाओ तो प्लीज़ मॉर्निंग में जाओ तो आपके जल्दी दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पे लाइन रहती है और हम लोग गए थे, ज़्यादा लाइन नहीं थी, मतलब तब दरवाज़ा ही खुलना था कुछ, तो कम ही लाइन थी। तो इस तरह से सब फिर जाने लगे। और ये तो अच्छा हुआ हम लोग जल्दी आए, अगर लेट आते तो हम लोगों को 4-4 घंटे की लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। 4 तो मंदिर काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, जाना है जाना है, तो फाइनली हम लोग श्री स्वामी समर्थ के वहाँ आ गए। और सच मानो तो इतना सुकून मिलता है वहाँ जाके। और ये अभी पूजा का टाइम था, कुछ 8 बजे वहाँ पे पूजा होती है तब का टाइम था। और पब्लिक भी काफ़ी आ ही जा रही कर रही थी। और हम लोग गए तो इतनी भीड़ नहीं थी क्योंकि अगर हम लेट जाते तो शायद भीड़ होती। और मतलब ठीक है यार, मेरा जो था कि मुझे जाना है, वैसे हमारे यहाँ पे भी मंदिर है श्री स्वामी समर्थ का, मैं वहाँ पे भी जाती हूँ, हर गुरुवार भरती हूँ। और फाइनली मैं एक गुरुवार यहाँ पे आई ना, ये मेरे लिए बहुत बहुत मायने लगता है। तो यहाँ पे इस तरह से लाइन रहती है और इतनी लंबी अभी लाइन हो रही है, इससे पहले लाइन नहीं थी, हम लोग जितने जल्दी आए थे। और सच में स्वामी का मतलब इनके मैं अनुभव क्या बताऊँ, मेरे साथ खुद पर्सनली।
अभी हम लोग निकल चुके थे तुर्जा भवानी माँ, तो वहाँ ये पास में ही था मंदिर, तो अभी हम लोग वहाँ के लिए निकल चुके हैं। कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब सब पास में ही था, तो इस तरह से अभी हम लोग फाइनली वहाँ निकल गए। और ये बाहर का, मतलब बाहर का ही है ये मंदिर का, तो अभी जस्ट हम अगर आप लोग वहाँ जाते हो तो आप लोग प्लीज़ पास लेके ही जाना, मतलब VIP, और जनरल मत लेना, क्योंकि जनरल में जाओगे तो आपको 4-4 घंटे की वेटिंग करनी पड़ेगी। VIP पास के कुछ 100 रुपया होते हैं, तो हम लोग ने इस तरह से 4 पास ले लिए थे, 4 नहीं 6, क्योंकि बच्चे की भी, बच्चों की नहीं थी, हमारी थी 2-4ों की। तो इस तरह से हम लोग जा रहे थे, और सच बोलूँ इतनी गर्मी थी, मतलब के क्या बताओ, यहाँ पे मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। अचानक से मुझे चक्कर आने लगे और घबरामन और श्वास लेने में मुझे प्रॉब्लम हुई, मतलब लाइन में जब खड़ी थी। VIP की भी लाइन रहती है, मतलब इतनी नहीं रहती है, मतलब जल्दी नंबर आ जाता है। तो ये अंदर का है मंदिर का, मतलब ये अभी हम लोग एंटर हुए हैं, और ये जो देख रहे हो ना, ये मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो यहाँ पे ना, जिनकी नई शादी हुई होती है वो लोग आते हैं, और आपको बीच बीच में इस तरह से ये महाराज लोग मिलेंगे। मुझे लगता है कि आप इनके बात सुनो ही मत, इन लोगों की, मतलब आरती करनी है वो करनी है, कुछ नहीं, आप अपने मन से जाएं। तो यहाँ ये रही लाइन, मतलब इतनी लाइन थी यहाँ पे, ये कम थी, ये तो कुछ नहीं थी। जो दूसरी लाइन थी जनरल, वो कुछ 4 घंटे की थी। तो बस ये मेरा लास्ट दिन, यहाँ से मेरी तबीयत बहुत, यहाँ से मैंने कोई सूट नहीं किया था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। फिर अभी ये रहा, इसके बाद दर्शन होने के बाद हम लोग निकल चुके थे, फिर मैंने कुछ सूट नहीं किया था, फिर मुझे अच्छा लगा। और ये जो है, ये जो पत्थर है, अगर ये पत्थर घूमे तो आपकी विश पूरी होती है। तो मैंने भी ट्राई किया, मेरी दी ने भी ट्राई किया, तो पहले मैं नहीं करने वाली थी, तो मैंने कहा ठीक है, लाइफ में कुछ तो मतलब करना चाहिए, तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने भी अपनी विश रखी, मेरी सिस्टर ने भी विश रखी। ये पत्थर अपने आप घूमता है, मतलब जिसकी विश पूरी ना होए तो नहीं घूमता है, जिसकी विश पूरी होनी होती है सब घूमता है। तो इस तरह से ये है, ऐसा सब बोलते हैं। उसके बाद हमारे दर्शन हो चुके थे और हम निकल चुके थे पंढरपुर के लिए। अरे हो ले, त्याला जेवणाचं तो विचारलं, फोन कर ना, तू या काढतो, तू या काढतो ना। अरे पापा ते खाना खा रहे, बाहेर नाही जाऊ। तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे,
चलो जूते पहन लो, शूज पहन लो, देखो मम्मी ने कैसे पहन लिए, गाल तू गाल। तो अभी हम लोग पंढरपुर के लिए निकल रहे हैं और आज हमारा 12 बजे से पहले ही दर्शन हो चुके थे, मतलब श्री स्वामी समर्थ के उनके 8 बजे के आसपास। और इसके बाद हम तुर्जा भवानी, हाँ मैं बात कर रही हूँ बेटा, उसके बाद हम लोग तुर्जा भवानी, हाँ वीडियो बना रही, जाओ खेलो। तो तुर्जा भवानी गए थे, वो भी 12 के पहले से हमारे दर्शन हो चुके थे, हमने VIP दर्शन किए, क्योंकि ऐसे करते जनरल तो 4 घंटे लगते। तो अभी हम खाना खाने के लिए यहाँ पे स्टे किया हमने, रुकना तो नहीं है यहाँ पे, निकलना ही है जल्दी। वैसे सोचा था कि आज हम यहाँ रुकने वाले, पर नहीं, क्योंकि अभी पंढरपुर हम जा रहे हैं और पंढरपुर का भी कुछ जल्दी हो जाएगा, मतलब 2 घंटे में। तो आज हम पुणे निकल रहे हैं, तो अभी मैं आपको दिखा दूँ, 1 मिनट। तो कृषा देखो क्या कर रही है, झूला खेल रही है कृषा ना। यहाँ पे हम खाना खाने के लिए खड़े हैं और ये होटल इतनी अच्छी है यार, ये मतलब ये मुझे लगता है पुणे हाईवे नहीं, हम यहाँ से जा रहे हैं पंढरपुर जा रहे हैं। तो यहाँ पे होटल है यार, इतनी मस्त है ना, यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी था। अरे जारविश, जारविश हाय करो, देखो वो भी किसी खेल रही है। चलो केशो, अरे जारविश इधर से आओ ना। और ये हाईवे है ये रहा, इस तरह से अभी हम पंढरपुर के लिए निकल रहे हैं और वहाँ भी हम, और हाँ अभी हमारा पूरा प्लान थोड़ा कैंसिल हो गया है, मतलब हम कल निकलने वाले थे, तो हमने एक दिन ज़्यादा बढ़ाया था पुणे झिझोरी के लिए, तो हमें लगा शायद आज दर्शन नहीं होंगे पंढरपुर के, तो इसलिए हमने कल का भी यहाँ पे स्टे रखा था। लेकिन पूरा प्लान किशो 1 मिनट चुप रहो, अब पूरा प्लान कैंसिल हो गया, अभी हम पुणे के लिए निकल रहे हैं और 2 दिन पुणे में, तो आपको बच्चे वीडियो नहीं बनाने दे रहे। प्रॉब्लम ये हुई कि हमारी जो कल की टिकट थी वो हमने परसों कराई और 9 बजे हमारी कंफर्म एसी वाली टिकट है, तो अभी हमें लगता है कि हमें कैंसिल करनी पड़ी टिकट और कल के, मतलब कल और हमें ये फिर से टिकट करो, इसलिए फिर हम 2 दिन पुणे में ही अभी घूमने वाले। क्या बच्चे ये दाल झोंका दे, झोंका दे, अभी हम पंढरपुर पहुंच गए थे और यहाँ पे मैंने ग्रीन चूड़ी पहनी थी क्योंकि मेरे हाथ में नहीं थी, वैसे मैं अहमदाबाद से ही पहनने वाली थी, फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मुझे यहाँ की चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगी तो मैंने थोड़ी भरी, ज़्यादा नहीं भरी। महाराष्ट्र में एक भी ऐसी कोई लेडी नहीं जिसके हाथ में ग्रीन चूड़ी नहीं। तो फाइनली हम लोग पंढरपुर पहुँच गए और अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ लाइक करना ना भूले। अभी जो नेक्स्ट वीडियो है हमारे वो झिझोरी के और पुणे के वीडियो आने वाले, तो प्लीज़ मेरे वीडियो वॉच कीजिए। रस पी लो रस।